ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ फहीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हम इस वक्त मौजूद हैं रेड लाइन प्रोजेक्ट पर। यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं, कहाँ पर क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स लग चुके हैं और ज़मीन की लेवलिंग का काम जारी है। ये रास्ता यहाँ से सीधा मलीर डिफेंस की तरफ जाता है, सफूरा गोट से होता हुआ। हैवी मशीनरी मुसलसल मुख्तलिफ जगहों पर अपने अपने कामों को करने में मसरूफ़ है। लाल रंग का झंडा भी लगा हुआ है ताकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक एहतियात के साथ गुजरे और कोई भी हादसा रोनुमा ना हो सके। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद दिखाते हैं हम आपको। ये उल्टे हाथ पे रास्ता बना हुआ है जो कि पानी के टैंकरों की वजह से ख़राब हो गया है और यहाँ भी काम जारी है। सामने उल्टे हाथ पे आपको पानी के बड़े बड़े टैंकर भी खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम आ गए हैं मलीर डिफेंस वाली रोड पर। यहाँ पे बड़े पैमाने पे दरख्तों को काटा गया है ताकि रेड लाइन के लिए रास्ता बनाया जा सके। मशीनें साथ साथ अपना काम भी कर रही हैं, ज़मीन को भी लेवल कर रही हैं और मिट्टी भी निकाल रही हैं ताकि जल्द से जल्द काम आगे बढ़ सके। आइए और आगे चलते हैं। काम काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ चल रहा है। मलीर चेक पोस्ट जो है 6 नंबर, उसके बाहर यहाँ पर ये वाली जगह है 6 नंबर चेक पोस्ट के बिल्कुल बाहर, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दरख्तों को काटा गया है। ये सब नाला आपके सामने खुला हुआ नज़र आ रहा है, दरख्तों की जड़ें मौजूद हैं, ट्रैफिक जाम भी साथ साथ हुआ हुआ है। एक रोड मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी है जिसकी वजह से जाने वाला ट्रैफिक जो है वो भी इसी रोड पे से गुज़र रहा है और आने वाला भी इसी रोड से गुज़र रहा है। उल्टे हाथ पे जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ट्रैक पूरा का पूरा सड़क खाली पड़ी हुई है और यहाँ दरमियान में जो दरख्त लगे हुए थे वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे बनेगा रेड लाइन का ट्रैक जिसपे से ट्रैफिक रेड लाइन की जो बसें होंगी वो गुज़रा करेंगी। ये रेड लाइन मंसूबा जो है तकरीबन 23 किलोमीटर लंबा है ये, और ये यूनिवर्सिटी रोड, एमेजिना रोड, मलीर कंटोनमेंट, इन सब जगहों पर ये चलेगा और इस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि लाखों लोगों को फ़ायदे हासिल होंगे। हम आगे चल के आपको बताते हैं कि यहाँ पे दरख्त कितने लगे हुए थे। जो नुमाइंदा यहाँ पर ये सब कटिंग में मसरूफ़ है उसके नुमाइंदे हमें बताएंगे यहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है और कितने दरख्त काटे जा रहे हैं। तो आखिर तक हमारे साथ रहें और जानिए मज़ीद तफसीलात। Thank you.
आप देख रहे हैं उल्टे हाथ वाली सड़क पे बेतहाशा दरख्त मुकम्मल तौर पे कटे हुए पड़े हैं। ये उनका एक क्लोज़अप भी आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे कटिंग हुई है और जिसमें सैकड़ों दरख्त कट गए हैं। सब उसका व्यू है एक। किस सिलसिले में कटाई हो रही है? ये ट्रांस कराची का प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो रेड लाइन का प्रोजेक्ट है ये? हाँ, ट्रांस कराची का प्रोजेक्ट है, ये रेड लाइन बन रहा है। यहाँ पे रेड लाइन बन रहा है, जिस तरह आपका ग्रीन लाइन बना। अच्छा, ये रेड लाइन बन रहा है, तो ये रेड लाइन इसके ऊपर बनेगा या रोड पे बनेगा? इसके ऊपर यहाँ पे बनेगा, पिलर बनेगा जमीन पे? जमीन पे, यहाँ पे मसला ना हो। कितने दरख्त अंदाजन यहाँ पे कट जाएंगे? यार यहाँ पे कट जाएंगे अराउंड अबाउट, हमने जो गिनती की है 17-1800 के अराउंड अबाउट है। 17-1800 कहाँ से कहाँ तक? ये इस चुरंगी से लेकर उस चुरंगी तक, मतलब इस कट से लेकर उस कट तक। आप ऐसा करें, जो यूटर्न आ रहा है जहाँ से हमने रास्ता ये बंद किया, सही है? अच्छा, यहाँ इस पे मोड़ो, थोड़ा सा आगे जाके इस साइड पे जेड के बी का कैंप है, सही है? जेड के बी का कैंप है। हाँ, जेड के बी जो कंपनी का प्रोजेक्ट जिसके पास, ठीक है, वो आपको पूरा इन्फॉर्म करेगा। वहाँ पे कौन साहब मिलेंगे? वहाँ पे आप ऐसे करो, उसको बोलो कि मैंने किस से मिलना है, आसिफ से मिलना है। आसिफ साहब से मिलना है, ठीक है? सही है, वो आपको पूरा गाइड करेगा, पूरा ब्रीफ करेगा कि इसके बारे में जो किसके डिपार्टमेंट से एजेंसी मिली है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट कहाँ से, आपको पूरा ब्रीफ करेगा। यानी कि 1800 तकरीबन दरख्त हैं जो कटेंगे? किस तरह होगा? सिर्फ ये पट्टी पे जो दरख्त हैं वो कटेंगे? हाँ, ये कटेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि यहाँ पे क्या क्या कार्रवाई हो रही है और कितनी अब तक हो चुकी है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। वीडियो कैसी लगी शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकॉन को ज़रूर दबाएँ। मुझे इजाज़त है, अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।